Please start clapping and give it up for the next act, Abhishek Walia. ये क्या है, मतलब सारी लड़कियां एक बस एक अकेला लड़का, ये क्या आप इंद्रदेव अपने साथ अप्सराएं लेकर आए हैं, क्या सीन है? ये सारी आपके साथ आई हैं? पक्का ना? अच्छा एक ही है ना, ऐसा लग रहा है नींबू में 8 मिर्चियां लगाई हुई हैं। कितनी लड़कियां? और पहले वाले शो में एक लड़की नहीं थी, सारे लौंडे थे, इसमें सारी लड़कियां आ गई हैं। क्या हो गया, मतलब ये बॉम्बे में उल्टा चल रहा है क्या, यहाँ पे रात को निकलने दे रहे हैं? दिन में नहीं जाना, कुछ छेड़ेगा नहीं क्या होगा तुम्हारा? दिल्ली में नहीं निकलती रात को लड़कियां? दिल्ली में तो मतलब बंद करके रखते हैं 9 बजे के बाद, तो बिल्कुल उन सबका प्रॉपर OTP आता है लड़कियों का निकलने के लिए। अरे यार क्या करते हैं सर आप? डेंटिस्ट हैं। और आप? फैशन बायर। आपके डिम्पल्स बढ़ते हैं, ये इन्होंने झूठ बोल के रूट कनाल तो नहीं कर दिया? बहुत चूती होते हैं डेंटिस्ट। मेरा दोस्त है डेंटिस्ट, मेरे को सिर दर्द हो रहा है, भाई रूट कनाल करा रहे उसे नहीं करा। बहुत हरामखोर होते हैं डेंटिस्ट, चूतिया तो बहुत काटते तुम लोगों का ना, होता है ना ऐसा कि मतलब कोई भी आता है रूट कनाल ही बोलते सीधा आप? क्या चक्कर है ये? कहाँ पे आपका क्लिनिक? तारदेव साउथ बॉम्बे में आपका क्लिनिक है प्रॉपर? बहुत ही पैसा आता होगा फिर तो ये जो क्या कहते हैं एक्सेंट निकलते हैं मुंह टेढ़ा होकर, उसकी भी कोई सर्जरी आप ही करते हैं? रूट कनाल है ना उसका भी, इधर वाली दाढ़ निकाल देते हो, साइड की दाढ़ निकाल देते हैं, मुझे लग रहा है साउथ की लड़कियों की सबका एक्सेंट एक से ऐसे ही निकलता है बिल्कुल। यहाँ पे है कोई साउथ दिल्ली से? अब होगा तो बताएगा थोड़ा ना। आप कहाँ से मैम? इंदौर। ये शो देखने आए इंदौर से? अच्छा बॉम्बे में कॉलेज है, कहाँ कौन सा कॉलेज है? क्या है नाम? फैड इंटरनेशनल। ये प्रॉपर कॉलेज है? पर्ची मिली थी ना जब घर से? कहाँ गई? मतलब अरे इंदौर वाला का चूतिया घटिया मुझे लग रहा है। और आप ही साथ में इंदौर से? तुम भी इंदौर से हो दोनों? फर्स्ट ईयर में ही हो? तुमने क्या 12वीं भी नहीं करी? मुझे तो लग रहा है बच्चे से नहीं करी। यू हैव क्लियर्ड योर 12th ना? दिस इज अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन? पोस्ट ग्रेजुएशन। क्या हो गया इंदौर में, क्या खाद नहीं पहुंची है क्या अभी तक? तुम उगी नहीं हो, बहुत छोटी छोटी लग रही है। तुमने ग्रेजुएशन कर ली है? कहाँ से करी है? पक्का ना? कितने साल की थी ग्रेजुएशन? 3 साल की थी? और 12th के बाद ही होती है? हाउ ओल्ड आर यू? यू आर 20? यू आर नॉट पंजाबी नहीं हो ना? पंजाबी तो बच्चे होते इतने पैसे हैं। और मैम आप? यू आर फ्रॉम नागपुर। नागपुर इंदौर, कोई बॉम्बे वाला आया है यहाँ पे? तुम पीछे क्यों बैठे हो? देखो तुम्हारे आगे निकल गए यहाँ पे आगे, तुम पीछे बैठे हो आराम से। तुम बॉम्बे से ही हो? प्रॉपर बॉम्बे से? यहीं पर पैदा हुए? यहीं चूतिया कटवा रहे हो? क्या करते हो? यू आर डेकोरेटर। क्या डेकोरेट करते हो? शादी में डेकोरेशन करते? मैयत में भी? मैयत वैयत कर नहीं आता कोई? एक ही बात है तुम्हें समझ आ रहा है ना, मुझे क्यों पैसे दिए और उसको क्यों नहीं दिए? क्या मतलब, क्या मतलब, कैसे डेकोरेशन? शादी यहाँ बॉम्बे में तो बहुत ही सिंपल सी शादी होती है, यहाँ पे कौन डेकोरेशन करवा रहा है? होती है यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह? और आप तो बहुत ही ऑफेंड हो गए, आपकी होगी है क्या शादी? आपकी शादी हो चुकी है? अच्छा आपका प्लान है मतलब प्रॉपर करण जौहर वाली शादी करने का? अच्छा हाँ मैंने तुम देखी, मैं तो आप जितने भी देखे सोसाइटी में नीचे पार्किंग में शादी कर रहे होते सारे के सारे। यहाँ पे मैंने देखी नहीं अच्छी शादी कोई भी। आपके सर अच्छी हुई थी? आपकी होगी है? हाँ क्यों, आपको विश्वास नहीं हो रहा कि आपसे कर सकते हैं? आपको तो मुंह नहीं लगाता कि आप ऐसे मेरे से बात कर रहे हो यार, ये तो बहुत ही अलग बात होगी। अच्छा मेरी आंखें ऊपर थी, मेरी आंखें ऊपर थी,
आप किन के साथ आए हैं? ये आपने आज ही खुला छोड़ा या हमेशा? कौन है, वाइफ है आपकी या आपके हस्बैंड है? आपको कौन से ऋषि मुनि ने शराब दे दिया था? कहते लव मैरिज है, अरेंज? हाँ समझ ही गया था, तुम्हारा लकी ड्रॉ निकल गया तो मटका खेला था क्या आपने? क्या पापा ने कोई कर्ज वर्ज देना था क्या पापा का बदले में? ये कहाँ से अरेंज हो जाए, कैसे जानते हैं दूसरे को? कैसे जीवनसाथी.com पे मिला? फिर फैमिली फ्रेंड्स, तो ये तो आपने बहुत ही गलत फायदा उठा लिया फैमिली फ्रेंडशिप का। कैसे जानते हैं, मतलब बचपन से जानते हो दूसरे को? अच्छा पेरेंट्स नो इच अदर, तो पेरेंट्स तो बच्चों को अच्छा ही सोचते हैं, क्या हो गया ये आपके साथ? कितने साल हो गए? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड? 2 years एंड यू आर स्टिल विद हिम? यू हैप्पी? आंख मार के क्यों बोल रहे हो? सीधा बोल रहे? अरे यार कोई बात नहीं, आप बता सकते हो अगर कुछ हुआ। वुमेन हेल्प नंबर आ गए तो हेल्पलाइन नंबर पर करिए, 141 नंबर है, मैं बता रहा हूँ आपको, आप करिए कॉल। आप क्या करते हैं सर? आप बच्चों की जिंदगी खराब करने के अलावा यू आर बिजनेस मैन? किस चीज का बिजनेस है? प्लास्टिक का, तो लगाओ थोड़ा अपने ऊपर भी थोड़ा, मुझे भी दे देना कोई, मैं कवर कैसे करूँगा बोलना पड़े। और आपने सर पढ़ाई करी हुई है? मैं पूछूंगा कितना क्या पढ़े हुए? अब आपके पास और कोई डिस्ट्रैक्शन भी तो नहीं होगी लाइफ में? बाकी लड़के तो मुंह माए ही होंगे आपको, तो आपने कहा यही टाइम लगाओ। अच्छा चलो, टाइम तो अच्छी जगह इन्वेस्ट किया। और यहाँ पे सबको पता है, मेरे को इनके से एक भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं पता। पढ़ी लिखी ऑडियंस आई हुई है सर, बिल्कुल घबरा रहे हैं, मैं इसमें पूछ ले, सारे पढ़े लिखे आए हुए। सर आप क्या करते हैं, आप इनके साथ ही आए हैं? आप साथ में, और ये साथ में, ये भी साथ में, तो मतलब आप हस्बैंड वाइफ के साथ आप क्या करने आए हैं? हैं तो कॉलेज फ्रेंड, तो उनके क्यों काम खराब करने आ गए आप? ये अभी तक नहीं छोड़ रहे आपको? कितने साल हो गए शादी को? शर्म आ रही है कोई? आपकी का है, आप उन्हीं से काम चलाए जा रहे हो? क्यों आपकी क्यों नहीं शादी हुई है? उनकी तो 12 साल हो गए। अच्छा है, कहाँ है? अभी पढ़ रही है इस टाइम, तो 1 घंटे के लिए ले आते निकाल के। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कह रहे पढ़ रही है वो घर पे, छोड़ के कहाँ पढ़ रही है वो? हांगकांग में पढ़ रही है। हांगकांग में किस चीज की पढ़ाइयाँ हो रही हैं? MBA। और आपने क्या करा हुआ है? MBA हांगकांग से ही। यहाँ पे क्या कंपटीशन चल रहा है क्या डिग्री का? तो एक ही है आपकी वाइफ? ये आपके साथ हर जगह जाते हैं डिनर वगैरह? क्योंकि वाइफ तो है नहीं। अच्छा आप सिंगापुर में रहते हैं और वाइफ हांगकांग में है। अच्छा वाले जी का शो देखने के लिए आए हैं, मतलब ये मतलब आपसे काफी परेशान होंगे तभी ले आए होंगे यहाँ पे। यू हैव सीन लाफ्टर चैलेंज? हाँ हाँ, तुमसे पूछ रहा हूँ। अच्छा क्यों इतने क्यों वेले हो तुम? बहुत कुछ कुछ एपिसोड देखे हैं? कौन? मेरी सारी देखी है। चलो ठीक है, थैंक यू, तो इसकी नहीं मारेंगे फिर। लेकिन के साथ आया हाँ, मेरे को लगा 11वीं 12वीं का लड़का है भाई। शी इज योर वाइफ? हाउ ओल्ड आर यू? यू आर 28। फोर इधर आए, इधर आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है? आयुष। गिव इट अप फॉर आयुष। देख ना ये लग रहा है 28 का। ये भाई कौन है तुम्हारा? कब बड़े हुए? पक्का 28 के हो ना? यू आर टर्निंग 29। तो ये मुंह को कौन बताएगा अपने? ये काफी यंग नहीं लगता देखने में? और सर आप कितने के हो? 32 के। और ये आपका बेटा लग रहा है आप गोद ले सकते हो लेजिट इसको? काफी सही यार, मतलब क्या कुछ क्या लगाते हो मुंह पे ऐसा? कुछ भी नहीं,
ऐसे ही तुम्हारे पास जवानी नहीं आई है बिल्कुल। तुम तो प्रॉपर अगर डिलीवरी कराने जाओगे बच्चे को तुम्हें कर देंगे पुलिस अंदर ले लेगी। आपको लग रहा है आपके हाँ ये भी बच्ची लग रही है। तुम राजस्थान से तो नहीं आया झूठ बोल के यहाँ पे है? तुम दिल्ली से हो? कहाँ पे दिल्ली से? द्वारका से हो? अरे यार काफी छोटा लग रहा है देखने में, बहुत ही यंग। थैंक यू वाली बात नहीं, कॉम्प्लीमेंट नहीं है ये वैसे। थैंक यू बहुत छोटा सा लग रहा है यार मेरे को देखने में, या मुझे ही लग रहा है? लग रहा है ना छोटा मैम आपको? डज ही लुक लाइक 28 है ना? किसी को लगा वहाँ बैठा इसका? आपको कितने का लगा? 24-25। आपको बहुत एक्सपीरियंस है मर्दों का। और आप किन के साथ आए हैं? आप चारों? अच्छा तीन। आप अकेले आए हैं यहाँ पे? अच्छा तुम तीनों साथ में कॉलेज में पढ़ते हो? तो यू आर रिसर्च कहाँ पे? इस पे करो रिसर्च फिर, ये थोड़ी भाई इस पे नहीं करते ऐसे दंपति को पे भी नहीं करोगे आप? ये कैसे फंसाया गया है? और आप सर किसके साथ आए? तू मेरे को लगे शक्ल से अकेले ही आया होगा, क्यों बैठा हुआ है? सब दोस्तों के साथ आए हुए हैं ये, अकेली इनको मिल रही दिल्ली आई अकेले। क्या करता है? स्ट्रीमर हूँ। स्टीमर की स्ट्रीम? वो क्या होता है स्ट्रीमर, क्या करते हैं? ऑनलाइन। अच्छा ऑनलाइन गेमिंग वेमिंग करता है? वहीं पर ही रह गया अकेला? आएंगे साथ में कोई जो प्लेयर खेलते हैं साथ में? रहेगा ना वही पबजी वाले सारे कहाँ गए? पबजी नहीं खेलता? कौन सी गेम खेलता है? फोर्टनाइट। इस पर हो नहीं करा किसी ने? तो ऐसे अकेले कैसे? आज इंटरनेट नहीं चल रहा था? बाकी होटल में है? क्या कर रहे हो होटल में? क्या साथ में आए थे तो टाउन हाउस लेके नीचे रुक गए क्या? अच्छा वो सो रहे हैं, तुम नहीं थके अभी तक? पैसे मिलते हैं इसके? इसके पैसे ही मिलते हैं? और क्या क्या करता है पैसों के लिए? पैसे मिल रहे हैं यार? और कौन है पीछे? अरे पीछे तक लोग बैठे हुए हैं। सर आप प्रॉपर शेरवानी पहन के आए हैं मुझे लगे। एक बार खड़े होना सर, एक बार आप। अरे वाह, किसके लिए? पार्टी के लिए वोट मांगने आए हैं आप? अच्छा लाइव म्यूजिक कर? आप सिंगर हैं क्या? अरे वाह, देख रहे हो टैलेंटेड लोग, इनसे दोस्ती कर ले। को किसके साथ आए हैं आप? भी अकेले आए हैं? ऐसे कपड़े पहन के अकेले निकलो तो कौन आएगा आपके साथ? तबला वादक है आप? गिटारिस्ट ऐसे कपड़े कब से पहन लेते हैं? आपको किसी ने तानपुर तो नहीं पकड़ा दिया गिटार बोल के? अरे यार उसको बोले हैं, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं बोलना, डरना नहीं है। तो आप लाइव परफॉर्मेंस देख क्या क्या आप गा भी लेते हो फिर तुम गिटार उटार बजा लेते हो? यू स्ट्रगलिंग टू मैनेज अ बैंड। इससे लो पैसा, ये पता नहीं कैसे कमा रहा है स्टीमर। काफी रिसोर्सेस लग रहे हैं मेरे को उसके पास। क्या करो वैसे, पढ़ाई वढ़ाई करी हुई है? क्या पढ़ा हुआ है? डिप्लोमा किया ना, मैं समझ गया था। पहला अपने जैसा बंदा मिला मुझे। और तुम किनके साथ आए हो? धनुष? हाँ इनके साथ आए हो आप चारों? कैसे मतलब कैसे जानते हो दूसरे को? हो गया क्या मैरिड हो गया चारों? ये किसका भाई? ये तो तू भाई बहन के बीच में क्यों बैठा हुआ है? तेरे चीजे बनने के राजे लग रहे हैं मुझे। और ये अच्छा अच्छा तो क्या मैच ना फॉलोइंग चल रहा है क्या यहाँ पे?
यहाँ पे कोई लॉयर तो नहीं है ना? है यहाँ पे कोई लॉयर? तो चले बाद में गांड हनी का केस करते हैं। अरे ठीक है, थैंक यू, दैट वाज माय नेम अभिषेक वालिया। तो आप आओगे सर वीडियो में? आओगे आप? आपके पास काफी सारे जॉनसन बेबी के ऐड आने वाली हैं इसके बाद।